तैयार हो रहा 20 साल से समस्या है और कोई भी सरपंच एगो समाधान कौन करो। सब से आपकी गोजी भरी है। धार्मिक स्थल है, आने जाने वाले यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं तो सबसे पहले हमें गाली देते हैं। नहीं, 7 दिन के बाद ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। दाऊदिया जी, समस्या है कई दिनों है, कई सालों है। हाँ, बोले सालों है। क्यों है, के कारण है? भाई ये तो बनने के बेरो तो मैं तो बावली पूछू घर चल जाओ, गांव छोड़ जाएंगे। मैं तो जब परेशान हूँ। कितना मच्छर हो रहा है, कितना गंदगी है, सबसे दुखी हमें हमारा बारना का गया। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको चूरू शो। राम राम सा, मैं मनोज और थे देख रहे हो झलको चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की कवरेज इसका फिलहाल है। चूरू और राजगढ़ तहसील है, गाँव है ददरेवा। अभी पर्यटन स्थल के रूप में इन्हें देखे जावे है, लेकिन ये एक समस्या है और आ समस्या आज की को नहीं, कई वर्षांगी है। कई सरपंच आ गया, कई MP आ गया, लेकिन समस्या जस की तस है। मुख्य जो रास्तो है, रास्ते में जो ददरेवा के अंदर आप प्रवेश करा बठे आपने गंदगी है जिसकी वो अंबार नजर आओ। वो काफी दिनों वहां स्थिति है। आज एक खातरी है, ग्रामीण है जी का विरोध प्रदर्शन है जी का कर रहे है, कुछ ग्रामीण जुड़े है, बातचीत करके देख ले। दौजिया जी की समस्या है, कितने टाइम हुआ है और कितने की समस्या है? कई दिनों से समस्या, 5-7 वर्षों से है। अब भारी समस्या है, तो पूरे गांव की समस्या है। मेरा टाइम में भी यही रहा समस्या है, क्योंकि पब्लिक की सारी परेशान रहेगा वहाँ। मौका का वार्ड बंद था, बंद सही करो थे। तो जी समस्या है, कई दिनों है, कई सालों है। हाँ, बोले सालों है। क्यों है, के कारण है? भाई ये तो बनने के बेरो तो मैं तो बावली पूछू बीरड हूँ मैं तो। ये भी भाई समस्या, ये सरपंच वार्ड पंच ये सागड़ा गांव कार मुखिया ही करके ने रहूं कर वो सुविधा दिया। वोट जाओ, वोटा ही लाग रही है, वोट तो देना ही पड़ेगा। गांव रहा इतने तो घर चल जाओ, गांव छोड़ जाएंगे। तो एक खतर दिया थारी समस्या निराकरण और उसके बैंक खतर कौन दिया? बैंक खतर दिया भी मेरी भोरियो को नहीं मारो भाई। मैं तो यही सोची हुई गांव का, मैं तो सोची को नहीं भाई, मैं तो कहूंगा नहीं। झूठी बात मेरे को आने, मैं कौन कहूंगा, मैं तो दिया को नहीं। हाँ भाई, गांव राम सोची है, गांव राम अच्छी सोची है, हमारी तो सोची को नहीं। सरपंच का कारण होगी, क्या ममरा का कारण होगी, सरकार का कारण होगी, कौन कारण है? मारू तो वह को नहीं। परेशान है कितना ज्यादा होगी? मैं तो जब परेशान हूँ, गांव राम का पूरा परेशान है। समस्या मारे है, बच्चा लकड़ सके ने, डांगर पशु लकाड़ सका ने, मारे कितनी परेशानी हो रही है। घर डूबने तैयार हो रहे हैं, जो यो नाली को पानी सा, यो सारो पानी मारे घर में जाने तैयार हो रही है। आन जान में कितनी दिक्कत हो रही है, डांगर पशु की, आदमिया की, स्कूल में टाबर जा तो गोदी लेके जावा, सिर पर बोझ लेके आवा तो वो भी नाली के महपक चल रहे हैं। सबसे घनी दिक्कत तो मारे बारने का गा रही है, कितना मच्छर हो रहा है, कितना गंदगी है, सबसे दुखी हमें हमारे बारने का गए। गांव तो गांव बबड़ गांव तो दुखी है ही है, सारो गांव ही दुखी है। बातले बात माननी है, मारे उल्टो ग्राम बढ़ना तैयार हो रहे पानी को। पानी की समस्या है, गांव में पानी का बुरा हाल हो रही है, रोड का बुरा हाल हो रही है। पानी की जगह पानी नहीं जा रहा, रोड पर पानी खड़ी। क्या समस्या, दोबारा चुनाव हो बाद में 20 साल से समस्या है और कोई भी सरपंच एगो समाधान कौन करो? सब मतलब अनदेखी करते है। आपकी गोजी भरी है, मतलब बारह गांव को एक गिंदानी टाडो है, यो पानी पे टाडे में जानू चाहिए। और ए नाले की ढाल इस साइड में न हो गए, बलगाम की तरफ हो, मतलब मेरा ये कहना है। देखो, इतने झारपीर बाबा का गांव है, इनमें कितने न कितने यात्री आते हैं, सभी दुख पाते हैं। हमारे गांव के अंदर इतने व्यक्ति होता है, आप दिखाओ कितने न कितने यात्री आते हैं, सभी इस पानी में कराते हैं। देखो, चूरू जिले के अंदर ददरेवा एक बहुत बड़ा नाम है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नाम है। और जिस रास्ते के ऊपर हम खड़े हैं, वो रास्ता ददरेवा के गोगा जी की जन्मस्थली और गोरखनाथ मंदिर का मुख्य रास्ता है। और यहाँ से 5 से 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। अब वर्तमान में गांव के सभी रास्तों की बहुत बुरे हालात है। जिस रास्ते पे हम खड़े हैं, ये गांव का पर्यटन स्थल को कनेक्ट करने वाला एकमात्र रास्ता है। और इतनी बड़ी समस्या है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने और सरपंच ने अवगत कराने के बार बार बावजूद भी समस्या को कोई भी समाधान को। आज सब ग्रामीण जन मौजूद है मौके पर और उपखंड अधिकारी को मैं ज्ञापन दे रहा हूँ और 7 दिन को टाइम दे रहा हूँ। या तो मैं समस्या को समाधान कर देगा, नहीं 7 दिन के बाद ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। सर, ये हमारे गांव की है, कम से कम 7,000 की आबादी है हमारे गांव की। ये पूरे गांव का रास्ता मेन रास्ता है, बहुत परेशानियां होती हैं। जो भी लोग बाहर गांव के आते हैं, हमारे गांव के ददरेवा की पंचायत के काम पर 12 काम है, बार बार में जो भी बैंकों में आते हैं और काम आते हैं, सब बूढ़े लोग हैं, सब उनको बहुत परेशानी होती है। या लोग फिसल के गिर जाते हैं, खड्डों में गिरते हैं। बच्चों का स्कूल है, प्राइमरी बच्चों का, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, मेन स्कूल, इधर से सारे बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को बहुत परेशानी होती है।
पूरे बच्चे है बहुत, कल परसों 3-4 बच्चे यहाँ गिर गए थे। मेरा घर यहाँ नजदीक है, मैं देखता हूँ पानी के पास ही है इधर घर, मैं पूरा देखता हूँ। बच्चे परेशान होते हैं, बूढ़े ठहरे सब परेशान होते हैं, पूरे यात्री लोग हैं पूरे परेशान हो रहे हैं यहाँ, सब लोग परेशान होते हैं। की तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई और ध्यान दे रहा है। बहुत दिनों से ये परेशानी हो रही है, इस पानी का कोई समाधान नहीं है। इस साइड में खेत वाले पानी निकलने नहीं देते हो तो अपने खेत में निकलने नहीं देंगे, इस साइड में घर है। इस पानी का कुछ न कुछ समाधान सरकार को करना चाहिए। बहुत ज्यादा समस्या है, स्कूल के बच्चे है जो, उन बच्चों की बहुत ज्यादा समस्या है, गाँव की भी बहुत परेशानी आने जाने में। आसपास के जगह घर आ रहा है, बेबी जुड़े सर्दियों में बहुत तकड़ी परेशानी आ रही है, पानी का बहाव इतना हो चुका है कि मेरे घर के अंदर पानी आ रखा है। आने जाने की सबसे बड़ी परेशानी हो रखी है, मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, छोड़ के आने के ले जाने की बहुत दिक्कत होती है, पशु है खेत में जाते हैं तो उनको ले जाने की बहुत दिक्कत होती है। धार्मिक स्थल है, आने जाने वाले यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं तो सबसे पहले हमें गाली देते हैं, ये क्या करवा रखा है, तुम्हारा क्या प्रशासन है, कैसा क्या है। अच्छा, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि और अभी भी कैंडिडेट रहे रहा, एक तो साहब खेत हाल लेते हैं, मैंने क्यों निराकरण कौन करियो या एंगो के प्लान बनायो हो, क्या कमियां रही। 2010 के दौरान यह इतनी बड़ी समस्या कौन थी, यहाँ गाँव आमतौर पर आम रास्ता हो गया हिसाब से, रास्ता थोड़ा रूटीन के हिसाब से ठीक तो, लेकिन अभी यह सबसे बड़ी समस्या तो 2 महीना पहले ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण करे गए जो थर सामने, ये उल्टी दिशा में करे गए, क्योंकि गाँव एकमात्र पानी का निकास के लिए टाडा जोड़ है, जब पूरे गाँव का पानी इकट्ठा हुआ गंदा पानी को, कई जगह से और से भी नालियां निर्माण बने लग रही है, सारो पानी बैठा गए इकट्ठा हो, जबकि यो पानी उल्टी साइड से नाली बनाई गई, उल्टी साइड से ले जाके जठा यो कादा किचड़ हो रही है, उरे ले जाके खत्म करी गई है। या तो अपन सबने पता है कि बड़े जट जाके नाली खत्म होगी बढ़ी वो पानी इकट्ठा हो, जबकि बैठा जड़े पानी नाली खत्म हुई बढ़ से या स्टार्ट होनी चाहिए थी और टाटा जोड़ की तरफ जानी चाहिए थी, कोई दिक्कत ही को नहीं आती, कोई प्रॉब्लम को नहीं थी। आज से 2 महीना पहले ये रस्त मान लो थोड़ी बहुत पानी तो देखो घर आगे जरूर रहे, लेकिन इतना एक जगह इकट्ठा को नहीं हो रहा था। आज इतनी बड़ी समस्या हुई है, यदि इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए इतनी भीड़ तंत्र मौके पर मौजूद है, अगर पहला होती तो यह चीज सबने पता होगा, पहला यह चीज हो जाती, लेकिन भी टाइम इतनी ज्यादा को नहीं थी। नाली निर्माण से यह समस्या पैदा हुई, उपयोग में आने की बजाय अनुपयोग हुए नाली निर्माण, क्योंकि जठा यहाँ खत्म हुई है बढ़ई एक पॉइंट बने है, जठा खत्म हुई है बढ़ से यह स्टार्ट होनी चाहिए थी और टाटा जोड़ की तरफ जानी चाहिए थी। चुरू के देवागिरी बात कर लिया तो वो स्थान है जिको पीएम मोदी तक भी आवे है, तो पहले गोगो जी की है जिकी जय बोले है पीछे की रैलियां मा चीज देखी भी गई है, और दूसरा क्या बहुत सा यात्री अठावे है, अमूमन जिले का नहीं उत्तर प्रदेश पंजाब और बिहार तक का अठावे है, लेकिन गांव के अंदर जो भी एंटर होना रिकली है यदि आ दुर्दशा है तो गांव को दुर्भाग्य ही है। जय चुरू, जय राजस्थान, जय हिंद।